नमाजें पांच हैं, लेकिन उनमें से सबसे अहम नमाज नमाज असर है। हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वकूमू लिल्लाह कानितीन। कुरान कहता है सारी नमाजों की हिफाजत करो लेकिन असर को ना छोड़ना। क्यों? सरकार ने फरमाया मिलके कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया इसकी वजह यह है कि असर का वक्त वक्त मशहूद है, और वक्त मशहूद का माना यह है कि इस वक्त जो ड्यूटी के फरिश्ते तेरे कंधों पे हैं, कायनात में हैं, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हर रोज उनकी शिफ्ट चेंज होती है, और असर के वक्त पहले फरिश्ते वापस जाते हैं और नए फरिश्ते रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह लेते हैं। तो जब असर का वक्त होता है तो पहले वाले फरिश्ते भी मौजूद होते हैं और जो नए आए होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो इसलिए वो वक्त मशहूद होता है कि उस नमाज में कायनात में फरिश्तों का नूर रश लगा के खड़ा होता है। तो फरमाया उस नमाज की हिफाजत करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा इस दुनिया से जाएगा, वो फजर के वक्त जाए, वो इशा के वक्त जाए, वो जोहर के वक्त जाए, जूं ही उसे कब्र में रखा जाता है और रिश्तेदार मट्टी डाल के वापस चले जाते हैं, तो फरमाया जूं ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे असर और मगरब के दरमियान का वक्त दिखाई देता है। यह ऐसा अजीम वक्त है। और बाज बुजुर्गों ने फरमाया जो असर के बाद सूरह यूसुफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखरत की खैर अता फरमा देता है।